हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मॉक टेस्ट नंबर 2 व्हिच इज बेस्ड अपॉन यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, ऑलरेडी मॉक टेस्ट नंबर 1 व्हिच वाज बेस्ड अपॉन द सेम टॉपिक हैज ऑलरेडी बीन अपलोडेड ऑन द चैनल। इफ यू वांट यू कैन रेफर दैट वीडियो एज वेल। और दोस्तों, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है जहाँ पे हर दिन क्विज भी कंडक्ट होता है। उसी के साथ ही साथ मैं कोशिश भी करता हूँ कि सभी पीपीटीज की पीडीएफ भी उस ग्रुप पे अपलोड कर दूं। दोस्तों, चैनल पर ऑलरेडी आईपीसी से रिलेटेड, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, टॉट से रिलेटेड वीडियोस अपलोडेड हैं। आप चाहें तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, वहां से उन्हें रेफर कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन इज टर्म्ड एज अ चाइल्ड ऑफ वॉर। तो दोस्तों, वो कहा जाता है लीग ऑफ नेशंस के लिए। लीग ऑफ नेशंस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एस्टैब्लिश की गई थी। इसकी पहली मीटिंग हुई थी इन द ईयर 1920 और ये पेरिस कॉन्फ्रेंस हुई थी 1919 में। उसके बाद इसकी स्थापना की गई थी जिससे कि पीस हो पाए दुनिया में, और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ। पर क्या हुआ, फिर भी नतीजा क्या निकला कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो ही गई थी इसके बाद भी। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज द आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश। तो दोस्तों, वो ही थी इन द ईयर 1919 और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। अगला है हु हैड गिवन द 14 पॉइंट प्रोग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लीग ऑफ नेशंस। तो लीग ऑफ नेशंस में की एस्टैब्लिशमेंट में जो सबसे अहम भूमिका निभाई थी, वो निभाई थी वुड्रो विल्सन ने, जिन्होंने 14 पॉइंट प्रोग्राम दिया था जिसकी वजह से फिर लीग ऑफ नेशन की स्थापना हो पाई। अगला है विच कॉन्फ्रेंस एडॉप्टेड द यूनाइटेड नेशंस चार्टर ऑन 26 जनवरी 1945। तो दोस्तों, वो अडॉप्ट की थी सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस ने। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द पैरामीटर्स टू बिकम अ मेंबर ऑफ यूएन। यूएन का मेंबर बनने के लिए क्या क्या चीजें आपको फुलफिल करनी पड़ती हैं। वो पहली बात तो कि आप स्टेट होने चाहिए। इंटरनेशनल लॉ जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि स्टेटहुड के लिए क्या क्या जरूरी है। पहली बात तो आप रिकॉग्नाइज स्टेट होने चाहिए। आपका एक पीस लिविंग कैरेक्टर होना चाहिए कि आप चाहते हैं कि शांति बनी रहे दुनिया में। एंड इट मस्ट एक्सेप्ट द ऑब्लिगेशंस टू द चार्टर। जो यूएन का चार्टर है उसकी ऑब्लिगेशंस को आपको एक्सेप्ट करना होगा और उन ऑब्लिगेशंस को निभाना भी होगा। उसके साथ ही साथ इट मस्ट बी एबल टू कैरी आउट दीज ऑब्लिगेशंस। तो दोस्तों, ये तीनों ही पॉइंट फुलफिल होते हैं। अगर किसी भी कंट्री को यूएन का मेंबर बनना होता है तो ये सभी कंडीशंस फुलफिल उसे करनी चाहिए। तो आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर वॉज द यूएनओ अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज। तो यूएनओ को नोबेल पीस प्राइज कब मिला था, वो मिला था इन द ईयर 2001 फॉर पीस। नोबेल फॉर पीस मिला था इन्हें इन द ईयर 2001। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी का क्या फंक्शन इनमें से नहीं है। तो दोस्तों, रिफ्यूजीज को यूएनडीपी प्रोटेक्ट नहीं करता है, जबकि पॉवर्टी रिडक्शन को, क्राइसिस प्रिवेंशन, एनर्जी एंड एनवायरमेंट के लिए यूएनडीपी फंक्शन करता है जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन है अंडर हूम रिकमेंडेशंस द यूएन जनरल असेंबली सस्पेंड्स द यूएन मेंबरशिप। यूएन मेंबरशिप किसकी रिकमेंडेशन के बाद यूएन जनरल असेंबली सस्पेंड करती है। तो दोस्तों, वो है सिक्योरिटी काउंसिल रिकमेंडेशन देता है, उसके बाद यूएन जनरल असेंबली से उनकी मेंबरशिप सस्पेंड कर दी जाती है। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस वॉज। तो दोस्तों, वो थे ट्राई ली। अब आप इसको याद कैसे रख सकते हैं कि भाई उन्हें ट्राई किया गया कि चलो भाई तुम पहले सेक्रेटरी जनरल, तुम्हें बना के हम ट्राई करते हैं। और वो कहाँ से आते हैं, उनकी कंट्री थी शायद नॉर्वे। तो आप एक बार कंट्री उनकी चेक कर लीजिएगा, पर उनका नाम था ट्राई ली। अगला क्वेश्चन है द यूनाइटेड नेशंस एजेंसी कंसर्न विद द इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन एंड स्ट्रेंथनिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन दिस फील्ड। ये पूछा गया कि यूनाइटेड नेशंस की कौन सी एजेंसी टुवर्ड्स द इंप्रूवमेंट ऑफ एजुकेशन और इंटरनेशनल कोऑपरेशन डेवलप की जा सके, इसके रिगार्डिंग उसके लिए काम करती है। तो वो काम करती है दोस्तों यूनेस्को, और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग यूएन एजेंसीज फोकसेस अपॉन द पॉवर्टी रिडक्शन एंड द इंप्रूवमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। तो कौन सी यूएन की एजेंसी पॉवर्टी गरीबी को घटाने में और लिविंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करने के लिए काम करती है। तो दोस्तों, वो है वर्ल्ड बैंक, इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी यूएसए में। अगला आखिरी क्वेश्चन है द चेयरमैन द प्रेसिडेंसी ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रोटेट्स अमंग्स इट्स काउंसिल मेंबर्स।
पूछा गया है जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबर्स होते हैं उनके बीच में देखिए प्रेसिडेंसी या चेयरमैनशिप शिफ्ट की जाती है, जैसे एक नेशन को बनाया जाएगा फिर अगले को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो 15 नेशन है तो 15 के बीच में वो चेयरमैनशिप वो प्रेसिडेंसी घूमती रहेगी और इसको रोटेट किया जाता है हर एक महीने के बाद पर इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो दोस्तों ये था पार्ट टू विच वॉज बेस्ड अपॉन यूनाइटेड नेशंस। हम एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे भी ऐसी मॉक डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चंस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हम कवर कर लें, क्योंकि ये तो यूनाइटेड नेशंस पे था पर बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।